खूबसूरत जगह और एक बहुत सुनसान जगह पर वाकई। एक और व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और आज मैं बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह और एक बहुत ही सुनसान जगह पर वाकई मौजूद हूँ। तो आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाकर पहले वो व्लॉग देख लें, फिर इस पर आए तो आपको समझ में आ जाएगी। आज मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और आज दिन है 14 अगस्त का। तो 14 अगस्त को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा, जब पिछले साल मैं गया था कराची सिटी रेलवे स्टेशन अपने घर से, तो आज मैं सोचा अलग ही टूर करें, जंगल में आएँ ज़रा। तो आज मैं आया हूँ मलीर कॉलोनी से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे आज मैं अपना दिन गुजारूँ। अगर यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी तो वही पूरा दिन गुजारना पड़ जाएगा, शाम में शालदीप एक्सप्रेस आएगी उसी पर जाना होगा अगर कोई ट्रेन रुक जाती है। वैसे तो मेहरान एक्सप्रेस था यहाँ पर, क्योंकि मेहरान एक्सप्रेस तो अभी आ जाएगी, तो रेल फैनिंग तो होगी नहीं, तो रेल फैनिंग ब्लॉग है भाई हमारा। तो आज यहाँ रेल फैनिंग करेंगे एक जंगल में, अभी आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा मुरादाबाद का कि कैसा ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, इतनी अच्छी जगह है और हवा कितनी बहुत तेज़ है। आपको आवाज़ सुनने मेरी हो रही होगी क्या, थोड़ा वो हवा बहुत आ रही होगी, हवा बहुत तेज़ हुई भी इधर। तो आपको दिखाता हूँ आज का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की रेल फैनिंग और यहाँ का रिव्यू देता हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको दिखा देता हूँ पहले ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का बोर्ड है मेरे पीछे था और ये बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह, चेक करें आप सामने पावर प्लांट चल रहे हैं जो के कहते हैं बिजली बनाते हैं हवा से, मेरे ख्याल से पहले पता भी नहीं होता था हमें क्या चीज़ है, पंखे के कहते थे हम लोग। इधर भी हैं, थोड़ी मालूमात दे दूं आपको, ये डाउन की मेन लाइन है, डाउन के प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ अभी, जो आप एक और देख रहे होंगे मैं, ये है अप की मेन लाइन, कराची पेशावर मेन लाइन है ML1 और यहाँ डाउन में है मेरे ख्याल लूप लाइन और अप में नहीं है। तो ये लूप लाइन है सामने आप देख रहे होंगे और चेक करें सामने फुल जंगल का माहौल, एक पहाड़ सामने और ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की। 3 बंदे यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें स्टेशन मास्टर होंगे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होंगे और एक ट्रैक वगैरह का सही देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो चलें थोड़ा और आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ के। मौसम भी आजकल कराची का अच्छा हुआ है, देख रहे होंगे सामने आप बादल, पूरा कराची में बादल और रात में आज बारिश भी हुई थी। ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की छोटी सी एक बिल्डिंग है, ऑपरेशनल बिल्डिंग है, काम चल रहा है अंदर। यहाँ से अंदर की तरफ आया हूँ मैं तो दिखने में आया कि यहाँ हेड पम्प भी लगा हुआ है, एक चेक करें आप, ये काफ़ी दूर है इसका हाथ वाला, अगर ऐसे करा जाए तो पानी आ रहा है यहाँ, चेक करें। आजकल ऐसे में पानी आता नहीं है तो सिंध के शहरों में है। ये अबैंडन बिल्डिंग है एक सामने, ये कुछ बिल्डिंग के अंदरूनी मनाजिर हैं देख सकते हैं आप, बेंचेस लगी हुई कुछ और यहाँ से बाहर जाने का तो रास्ता बना रहा है मगर बंदा यहाँ से जाए किस तरफ, सामने आप देखें हर जगह जंगल ही जंगल दिख रहा है।
सामने एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद छोटी सी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की। ये लगा हुआ मोबाइल नेटवर्क है मगर नेटवर्क नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। नीम के दरख्त के नीचे मैं खड़ा हूँ। ये दरख्त किस काम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप कभी गर्मी में आए तो बहुत अच्छे दरख्त होते हैं। आज 14 अगस्त है तो आप लोग ये बैंड बाजे जो लोग बजा रहे हैं वो ना बजाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं अपने इलाके में अपने घर पर। तो जितने पौधे लगाएंगे उतना आगे आपके आने वाली नस्लों को अच्छा रहेगा, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। और सामने से हमारी ट्रेन आ रही है, लाइट विजिबल है, देखते हैं कौन सी ये ट्रेन है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो पहली ट्रेन हमें यहाँ मिल रही है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर, 26 नाउन बहुत ही जिक्रिया एक्सप्रेस, ये मेहरान एक्सप्रेस नहीं है। 6004 AD 30 लोकोमोटिव। ये थी 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, मुल्तान और कराची दरमियान चलने वाली एक ट्रेन जो कि जंगल में एक सुनसान रेलवे स्टेशन से पास हुई है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से। और लोग हैरान होगा देखकर मुझे कि एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर व्लॉगिंग हो रही है, भाई हाथ हिला रहे थे। तो ज़िक्रिया एक्सप्रेस के जाने के बाद तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और मैं यहाँ बैठ गया हूँ दरख्त के नीचे, अपना बैग साइड पर रख दी है और इस पत्थर पर मैं बैठा हुआ हूँ और देखते हैं कौन सी अब ट्रेन आती है। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई आबादी ही नहीं ज़्यादा है इसलिए हवा बहुत तेज़ है। आज की दूसरी ट्रेन हमें मिल गई है जो कि 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस, जो कि यहाँ स्टॉप करती है और लीड पर लगा हुआ है JMU 30R 8210 मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। और कराची दरमियान चलती है ट्रेन। और सिग्नल ग्रीन होने के बाद हम ये 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। ये चांस था हमारे पास घर जाने के लिए मगर नहीं गया मैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बादल आ गए हैं। तो मैं सोचा भाई अगर ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती तो पूरे दिन यहाँ पर रेल फैनिंग करूँगा इंशाल्लाह, अगर कोई ट्रेन रुक जाती तो फिर अपना घर कराची की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 6 बजे या 6:30 बजे शाह लतीफ़ एक्सप्रेस आएगी, बहुत देर हो जाएगी। तो ये एक बार फिर सन्नाटा हो चुका है, देखें आप। मेहरान एक्सप्रेस के जाने बाद तकरीबन 1-2 मिनट बाद ही आज की तीसरी ट्रेन मिल रही मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो कि 11 हज़ारा एक्सप्रेस और PLC पर पास होगी। बहुत ही प्यारा मौसम सिंध के डिस्ट्रिक्ट हट्टा का, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो रेलवे स्टेशन है ये डिस्ट्रिक्ट हट्टा में आता है जंगशाही के बाद और झिमपीड़ से पहले। 11 हज़ारा एक्सप्रेस कराची और हवेलियाँ के दरमियान चलने वाली एक वाही ट्रेन, जिसको लीड पर लगा हुआ है JMU 30R 8221। मौसम आप देखें भाई, सब छोड़ें, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ऐसे लग रहा है मैं मगरिब के वक्त में ये रेल फैनिंग कर रहा हूँ, मगर टाइम आपको बता दूँ 10:20 हो रहे हैं अभी सुबह के। यह ट्रेन इकोनॉमी क्लास के साथ साथ एक ही एसी स्टैंडर्ड की कोच पर मुश्तमिल होती है और अपना स्टॉप जो करेगी वो होगा कोटरी जंक्शन। एक बार फिर से यहाँ सन्नाटा हो गई है, चेक करें आप, बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन, बस इनके यहाँ जो वर्कर हैं मुरादाबाद के वो काम पर लगे हैं अपने अपने। यह मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का व्यू भाई, फुल हवा चल रही है और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, सामने आप देख रहे होंगे हर तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं और
और आपको साथ साथ बता दूँ ये रेलवे स्टेशन डिस्ट्रिक्ट हट्टा में वाकई है। और ये इसके बाद जो रेलवे स्टेशन आते हैं, अगर आपकी लाइन से देखा जाए झिम्पी रेलवे स्टेशन, अगर इससे पीछे देखा जाए टाउन की मेन लाइन की इसकी वजह से की तरफ से, तो जंगशाही रेलवे स्टेशन आता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेनें स्टॉप करती, जो कि शालतीफ एक्सप्रेस अप की भी और डाउन की भी, और बुलान मेल एक्सप्रेस भी स्टॉप करती है। तो ये दो ट्रेनें स्टॉप करती हैं, जिस पर मैं आज सुबह आया था शालतीफ एक्सप्रेस पर। ये देखते हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म जो है उस जगह पर से आगे है थोड़ी जगह, क्या चीज़ है ये चेक करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कुआं लग रहा है मुझे, बिल्कुल ये कुआं है और इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा, और इसमें कबूतर भरे पड़े हैं। चेक करें अब, ये थोड़ा सा काला पानी है बारिश का हुआ ये, और ट्रेन भी आ गई है, चलें इस पर ही सवार हुए थे। अगर रुकती है तो तेज़ काम है, आई थिंक एट डाउन, क्योंकि यहाँ पर नेट की बहुत ख़राबी है। वैसे जो यहाँ कर वर्कर हैं वो कह रहे हैं चलता है नेट, मगर नहीं चल रहा है यहाँ। एट डाउन तेजगाम एक्सप्रेस है, GU40 लोकोमोटिव 9044। बहुत ही तेज़ रफ्तार से जा रही है भाई, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से पास हो रही है। रावलपिंडी और कराची दरमियान चलने वाली ये ट्रेन थी, एट डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। और हम अभी आए हुए 107 किलोमीटर दूर कराची सिटी से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो ये था कुआं, तो ये चल चल कर मैं सामने पहाड़ पर आ गई हूँ, मगर इस पर चढ़ नहीं सकते हुए मैं चप्पल पहन कर आया हूँ, और कांटे वगैरह होते हैं वो चुभ भी सकते हैं, सांप भी निकल सकता है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि झाड़ियाँ जाने की जगह भी नहीं है। अभी रन पठानी आएंगे तो वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ेंगे। ये कुछ व्यू, तो 14 अगस्त के मौके पर देखें स्टेशन वालों ने यहाँ पर पौधा लगाया नया नया, तो आप लोगों से गुजारिश है अपने अपने इलाकों में अपने अपने घर पर पौधा ज़रूर लगाएं। तो आज की चौथी ट्रेन आ गई है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर, जिसको लीड पर लगा हुआ है ZC30 लोकोमोटिव, और ये 34 टाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। लाहौर और कराची तक जांच करने वाली ट्रेन है ये, बहुत ही अच्छी रफ्तार से पास हुई है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। आज का पांचवा ट्रेन एक्शन आपको दिखा रहा हूँ, फ्रेट ट्रेन है GU40 लोकोमोटिव के साथ अप ट्रैक की। GU40 9007 रेलवे स्टेशन से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, और बारिश भी साथ साथ हल्की फुल्की हो रही है, और साथ में डाउन की भी एक ट्रेन आ रही है, तो देखते हैं डाउन में कौन सी है। मेरे ख्याल से कराकरम एक्सप्रेस होगी। ये आ गई डाउन की एक ट्रेन HGMU 30 साथ है। आज का छठा ट्रेन एक्शन है ये, ट्रेन डाउन कराची एक्सप्रेस। पक्का नहीं बताया, एक तो नेट भी नहीं चल रहा, मेरे ख्याल से कराकरम भी लग रही है और कराची एक्सप्रेस भी लग रही थी लोकोमोटिव से। 12:05 हो रहे हैं, और सातवां ट्रेन एक्शन आपको दिखा रहा हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो कि GU40 लोकोमोटिव के साथ अप ट्रैक की मालगाड़ी।
कोयला लेकर जा रही है। A40 लोकोमोटिव नीड कर रहा है। बस इसी तरह टाइम पास हो रहा है ट्रेन देख देख कर, और अचानक सन्नाटा आता है तो कोई ट्रेन रुकती है तो बस घर जाते हैं, क्योंकि टाइम 12 बज गए। तो आज का ये 8वां ट्रेन एक्शन है जो कि मैं ट्रेन पर ही सवार होकर आपको दिखा रहा हूँ। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस है ये। तो ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन कुछ वर्कर थे जिन्होंने चाय वाय पिलाई आज मुझे और ख़ास ख्याल रखा। डिपार्ट कर चुकी यहाँ से ट्रेन। तो आज का मेरा व्लॉग था जो कि मैंने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 5 घंटे गुजारे 12:15 तक, और यहाँ पर रेल फैनिंग दिखाई आपको। बहुत ही अच्छे मौसम में आपको रिव्यू दिया मुरादाबाद रेलवे स्टेशन कहाँ पर वाके सब बताया। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो जिसमें मैंने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन कवर किया रेल फैनिंग की, और अब मैं अपना वापसी कराची जा रहा हूँ 16 डाउन कराची एक्सप्रेस में, तो बहुत अच्छी बात हुई ट्रेन रुक गई, मैं वापसी अपने घर जाऊँगा। और आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर जाएँ तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में।